जल्दी करो, अंदर आ जाओ। ये जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक दरवाजा खुला नहीं रख सकता। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब कोई नहीं आएगा। हम सुबह से तुम लोगों पर नजर रखे हुए थे, फिर भी आपने हमारी मदद क्यों नहीं की? हम पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते थे कि तुम लोग मानव हो। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं? ये गांव पिछले 300 सालों से एक शाप से जूझ रहा है। 300 साल पहले इस गांव में एक निर्दयी राजा राज करता था। उसकी बुरी नजर सरपंच की बेटी पर थी। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सरपंच की बेटी को उठाकर लाए। गांव वालों ने इसका विरोध किया। सैनिकों और गांव वालों में 2 दिन और 2 रात तक युद्ध होता रहा। अब भला गांव वाले सैनिकों के सामने कितना लड़ते? सब के सब गांव वाले मारे गए। जो कुछ बच गए उन्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। सब कुछ खाक में मिल गया, गांव, पशु, जंगल। उस दिन से वो आत्माएं हर साल 2 दिन 2 रात के लिए इस गांव पर कब्जा कर लेती है। उस दौरान उन्हें गांव में मौजूद इंसानों में वही सैनिक नजर आते हैं जिन्होंने उन्हें मौत के घाट उतारा था, और वो उन्हें मार डालते हैं। इस वजह से हर साल गांव वाले 2 दिन और 2 रात के लिए गांव छोड़कर चले जाते हैं। बाबा, फिर आप लोग ये गांव छोड़कर क्यों नहीं गए? बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं। हमारा जीना और मरना दोनों एक समान है। बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये घर अभिमंत्रित है। जब तक हम इस घर के अंदर हैं, सुरक्षित हैं। थोड़ी देर में सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय होते ही सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, साक्षी कहाँ है? साधुओं के पास। सुबह होते ही हम उसे वहां से ले आएंगे। क्या कहा तूने? बाबा, मेरी बेटी गांव की सीमा पार एक साधुओं की टोली के पास है। उसके शरीर को बुरी आत्माओं ने कब्जा कर लिया था। साधुओं के आशीर्वाद से अब वो ठीक है। अरे, वो कोई साधु नहीं है, वो अघोरी है। वे हर साल यहाँ अपनी शक्ति बढ़ाने और दुष्ट आत्माओं को अपने कब्जे में करने के लिए आते हैं। मुझे डर है कि कहीं वे अपने मतलब के लिए तुम्हारी बेटी का इस्तेमाल न करें।
खतरा नहीं लग रहा, अब जा सकते हो। अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम यहां अर्जुन का ख्याल रखो, मैं जाके साक्षी को लेकर आता हूं। ये लो। ये क्या है बाबा? ये शायद तुम्हारे कुछ काम आया।